वैसे मैं बता दूं, ये जो ट्रेन है ना मांडवी एक्सप्रेस, इसको इंडियन रेलवे का ना मोस्ट फूडी ट्रेन भी कहा जाता है, मतलब फूड किंग आप समझ लो इसको। फिलहाल ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, फ्रूट सब भी देख कर ना फ्रेश लग रहा है। ये देख लो चिली चिकन एकदम गर्मा गर्म। तो देख लो जी, हम लोगों ने लंच के लिए इतना कुछ ऑर्डर कर लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज जो मेरा जर्नी होने वाला है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 10104 मांडवी एक्सप्रेस में। भाई साहब, आप में से कितने लोगों ने कमेंट किया था कि मोहित भाई एक बार इस ट्रेन को एक बार कवर करो, ये ट्रेन आपको बहुत पसंद आएगा। तो हाँ जी भाई, मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा इस ट्रेन का, और फाइनली मेरा गोवा आने का मेन रीजन भी यही था। देखो भाई, गोवा आते हैं लोग यहाँ का बीचेस पे जाने के लिए, सी फूड खाने के लिए, लेकिन मैं गोवा आया हूँ यहाँ का ट्रेन कवर करने के लिए। हाँ जी, तो हमारा जो ट्रेन है सुबह 8:30 बजे का है, अभी ऑलरेडी 8 बज चुका है। लेकिन अभी भी मैं इतने आराम से क्यों हूँ तो मैं बता दूं, मैं हूँ अभी अपने होटल में, जो कि जिंजर होटल, वो भी एकदम मडगांव स्टेशन के पास में ही है। तो देख लो, ये अपना होटल है और ये रहा स्टेशन, एकदम बाजू में ही है, निकलते ही पहुंच जाऊंगा मैं। फिर भी उतना भी देर नहीं करते हैं, फटाफट निकल जाते हैं, नहीं तो भाई काफी लेट हो जाएगा। सामान वगैरह सब कुछ अपना पैक है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। मैंने अपना बुकिंग कौन से कोच में किया है, कितने में बुक किया है, क्या स्पेशल बात है इस ट्रेन में, वो मैं स्टेशन जाकर ही आपको बताता हूँ। फिलहाल तो जल्दी से निकलते हैं। और वैसा देख लो, हमारे होटल से ना कुछ ऐसा नजारा दिखता है स्टेशन का। तो चलो जल्दी से जाते हैं स्टेशन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा इस टाइप का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो, और हाँ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे और मैं भी मोटिवेट होते रहूं बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। इसलिए देख लो, आधा टाइम बाहर ही घूमते रहता हूं ताकि आप लोगों को जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना बढ़िया कंटेंट दूं। खैर कोई बात नहीं, फटाफट स्टेशन जाते हैं। लो जी, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। ये मेन एंट्रेंस है, एक्चुअली हमारा जो होटल है ना वो उस वाले प्लेटफॉर्म के साइड में है। अभी हम लोग ओवरब्रिज से इस वाले साइड में है, यही है देख लो रेलवे स्टेशन गोवा का। और ये जो आप देख रहे हो ना एग्जीक्यूटिव लाउंज, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, टाइम रहता तो अंदर जाके मैं दिखाता। देख लो अंदर काफी बढ़िया बनाया हुआ है। और ये देख लो अपना ट्रेन नंबर 10104 मांडवी एक्सप्रेस 8:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो आ गए हम लोग, और देख लो भाई साहब एक चीज काफी बढ़िया लग रहा है, मौसम देख लो बारिश वाला हो रखा है, और इस रूट में बारिश मतलब जर्नी का असली मजा। स्टेशन में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाला है अपना ट्रेन, और अनाउंसमेंट भी हो रहा है, ट्रेन बस आ ही गया समझो। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो हमारे सामने चंडीगढ़ मडगांव एर्नाकुलम ट्रेन खड़ी है, और ठीक ये जो देख रहे हो ना यही अपना होटल देख लो, जिंजर होटल, और वही शायद अपना कोई रूम था उसमें से, ये ऊपर का दोनों में से कोई एक था, एकदम टॉप फ्लोर में हमें रूम मिला था, और जब भी आते यही वाला रूम मिलता है हमें इस वाले साइड का। अपना ट्रेन भी देख लो एंटर कर रहा है, एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ मैं। चलो फाइनली अपना ट्रेन आ चुका है, अभी देखना पड़ेगा अपना वाला कोच कौन सा है। ये A1 नहीं नहीं ये HA1 है, ये अपना कोच नहीं है, वो अपना बाजू वाला अपना कोच है। सीट है अपना 11-12 मतलब आगे की तरफ है, आ जाओ। तो ये रहा मडगांव रेलवे स्टेशन, और ये रहा अपना मांडवी एक्सप्रेस। और बारिश हो रहा है, और बारिश के साथ साथ ट्रेन में बोर्ड करने का ना असली मजा है, वो भी अगर आप कौन रेलवे में जर्नी कर रहे हो तो ये जो मजा है ना दुगुना हो जाता है। ये रहा अपना सीट 11-12। हाँ जी, तो फाइनली अपने ट्रेन के अंदर तो बोर्ड कर गए हम लोग, वही आपका सेकंड एसी है। मैं जब भी ना ट्राई करता हूँ, जब भी थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में अपना टिकट बुक करूँ ना, इवन स्लीपर में भी, अगर मैं दो लोग ट्रैवल कर रहा हूँ तो साइड लोअर साइड अपर मेरे को ये सबसे बढ़िया सीट लगता है। हाँ थोड़ा सा अगर आपका हाइट ज़्यादा है ना तो वो सोने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी यार इसमें क्या है, अगर आपको लेटने का मन किया ना आराम से आप अपने दोस्त या फिर जो भी आपके साथ उसको बोलो ऊपर जाने के लिए आराम से लेट सकते हो, या फिर आपको लेटना है तो ऊपर वाले में आराम से लेट जाओ, खाली रहेगा। साइड में क्या है ना फूड वगैरह भी रिव्यू करना पड़ता है हम लोगों को, तो पर्दा दे देते हैं सबसे बेस्ट रहता है, पर्दा दे दो आराम से रिव्यू करो, ना कोई डिस्टर्ब ना कुछ। इसलिए हम लोग जब भी सेकंड एसी थर्ड एसी या स्लीपर में बुकिंग करते हैं तो साइड लोअर साइड अपर यही बुक करते हैं। ट्रेन का साफ सफाई देख लो, नो डाउट काफी बढ़िया है, ठीक है भाई साफ सफाई तो काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इस रूट का ना ट्रेन सब ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी आपको ऐसा गंदा नहीं मिलेगा। वैसे तो अपने इस मांडवी एक्सप्रेस का ना जो डिपार्चर टाइम है वो है 8:30 बजे का, जो कि ऑलरेडी 8:30 बज चुका है, लेकिन अभी भी स्टेशन में रुका हुआ है ट्रेन, पता नहीं क्यों। वैसे मडगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए मैंने ये जो टिकट बुक किया है, पर पर्सन मैंने पे किया है 1575 रूपए, और अगर आप इस सेम रूट के लिए फर्स्ट एसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2640 रूपए मतलब 2640, थर्ड एसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1100 रूपए, और हाँ इसमें कोई भी फूड कैटरिंग इंक्लूड नहीं है, तो सब कुछ आपको खरीद कर ही खाना पड़ेगा। लेकिन हाँ खाना ही मेन फैक्टर है इस ट्रेन का, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप इस सेम रूट में
स्लीपर क्लास से जर्नी करते हो ना तो आपको पे करना पड़ेगा 405 रुपए, और सेकंड सीटिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा 240 रुपए। तो ये कुछ रेट है इस ट्रेन का। बाकी देख लो ऑलरेडी 8:30 बज चुका है, अभी भी अपना ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही है। अभी टाइम देख लो 8:34 हो रहा है और हमारा ट्रेन निकल चुका है मडगांव रेलवे स्टेशन से, ज्यादा नहीं बस 4 मिनट के डिले के साथ। और वैसे देख लो धूप हो रखा है लेकिन फिर भी बारिश हो रहा है, यही असली मजा है बॉस। चलो बाय बाय मडगांव जंक्शन। वैसे मडगांव से निकलने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है करमाली। वैसे सामने में देख लो जन शताब्दी भी है। वैसे अपना ट्रेन तो निकल चुका है मडगांव से, और ये देख लो कुछ अपना ट्रेन ऐसा है। मुझे ना इस ट्रेन का साफ सफाई काफी बढ़िया लगा, जबकि ऐसा कोई यार राजधानी शताब्दी कैटेगरी का ट्रेन नहीं है। यहाँ डस्टबिन है, ये रहा डस्टबिन, और एकदम बाहर की तरफ ही आपको वॉश बेसिन मिल जाता है, लिक्विड वगैरह सब कुछ है देखो। और अभी मैं अपने इस मांडवे एक्सप्रेस के वॉशरूम में आ गया हूँ, तो देख लो कुछ ऐसा वॉशरूम है, सही है। मिरर भी देख लो एकदम क्लीन है, ओवरऑल बढ़िया वॉशरूम है, साफ सफाई काफी अच्छा है। वैसे सेफ्टी भी पूरा है, देख लो डबल लॉक आपको मिलता है, ट्रिपल लॉक आपको मिलता है। अभी तो देख लो ट्रेन पूरा खाली है, लेकिन धीरे 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 करमाली में काफी लोग बोर्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे काफी लोग बोर्ड करेंगे। वैसे इस ट्रेन का देख लो स्टॉप काफी सारा है, मतलब मांडवी से निकलने के बाद देख लो करमाली, थिबिम, पेरनेम, भाई बहुत सारा स्टॉप है। देख लो कुदाल होते हुए, रत्नागिरी होते हुए, चिपलून, खेत, मानगांव, पनवेल, थाने, दादर, फिर पहुंचेंगे हम लोग मुंबई। तो यही है, देख लो वीडियो को पॉज करके देख लेना आप लोग। और लगभग रात के 9:45 में हम लोग पहुंचेंगे मुंबई। वैसे आज हम लोग ना टोटल इस ट्रेन से 581 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, वो भी 13 घंटे 15 मिनट में 18 हॉल्ट के साथ। ऑलरेडी मैंने हॉल्ट आपको बता दिया क्या क्या होने वाला है, अभी तो करमाली आने वाला है। वैसे मैं बता दूं ये जो ट्रेन है ना मांडवी एक्सप्रेस, इसको इंडियन रेलवे का ना मोस्ट फूडी ट्रेन भी कहा जाता है, मतलब फूड किंग आप समझ लो इसको। इतना वैरायटीज का आपको फूड मिलेगा ना इस ट्रेन में, फ्री नहीं होता है, इनके पेंट्री में बनता है वो, मतलब काफी बढ़िया। मैंने सुना है इनका लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप जो होता है, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, और बटर पनीर मसाला, काफी कुछ मिलता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। काफी लोगों के मुंह से मैंने तारीफ सुना हुआ है, इसीलिए मैं स्पेशली इस ट्रेन को कवर करने के लिए गोवा आया था। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अभी तक तो कोई ऑर्डर लेने के लिए आया नहीं है, लेकिन आएंगे तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया जो रहेगा ऑर्डर करेंगे। आज बहुत दिनों बाद ना अच्छे से फूड रिव्यू भी करेंगे, इंडियन रेलवे की मोस्ट फूडी ट्रेन का खाना कैसा है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ये देखते ही देखते हमारा पहला स्टॉप आ गया करमाली, और करमाली स्टेशन में अपने इस ट्रेन का ना बस 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी मैं स्टेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फटाफट अभी एडिट करना है। तो यही है देख लो करमाली, मेरे को लग रहा है ना काफी सारे पैसेंजर यहाँ से भी बोर्ड करेंगे इस ट्रेन को। लवली मस्त अपना वहाँ पे बैठी है, मैं यहाँ पे बैठ के एडिट कर रहा हूँ जब तक कोई पैसेंजर यहाँ नहीं आया है। तो निकलने के साथ साथ अपना जो ट्रेन है ना ऑलमोस्ट 1/2 आवर डिले हो चुका है। देख लो 9 बजे करमाली स्टेशन में पहुंचने का इसका टाइम था, और बस 2 मिनट बाद 9:02 में ये ट्रेन निकल जाता करमाली से, लेकिन ये ट्रेन आया भी 8 मिनट लेट और निकल भी रहा है लेट, तो ऑलमोस्ट 1/2 आवर का डिले हो चुका है। चलो अपना एडिटिंग भी डन हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और बाकी है वो करके फिर मिलते हैं। खाने
खाने पीने का शुरुआत हो चुका है ब्रेकफास्ट से। अभी टाइम देख लो, लगभग 10 बजने वाला है। काफ़ी लेट हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि ना मैं एडिटिंग में लग गया था, तो आधा टाइम वहीं पे हो गया। अभी देख लो अपलोडिंग भी लगा दिया है मैंने, होप कि अपलोड हो जाए। और आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे ना, मोहित भाई कौन सा सिम यूज़ करते हो जो ट्रेन में भी अपलोड कर लेते हो। भाई ऐसा कोई नहीं है कि मैं अलग कोई सिम यूज़ करता हूँ, तो मैं पोस्टपेड सिम यूज़ करता हूँ और प्रीपेड भी रखा हूँ मैं। दोनों टाइप का ही सिम यूज़ करता हूँ मैं, जब जो हो जाए वही यूज़ कर लेता हूँ। हाँ मेरे पास 3-4 नंबर है, जैसे वोडाफोन भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है। जब ये तीनों से नहीं होता है तो फिर इधर उधर से वाईफाई का कुछ जुगाड़ करो। स्टेशन में रुकता है ना ट्रेन, तो रेल वायर का भी ट्राई करता हूँ बीच बीच में। फिलहाल ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। ये 30 रुपए का पोहा और ब्रेड ऑमलेट हम लोगों ने लिया है, ब्रेड बटर ऑमलेट हम लोगों ने लिया है। ये 50 रुपए का है। भैया ने बोला कि भाई खा के देखो उसके बाद बताना कैसा है। दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो ये ब्रेड ऑमलेट, केचप है और सबसे मेन देख लो ब्रेड में बटर लगा हुआ है। लेकिन ये देखते हैं कैसा है कांदा पोहा। भाई ये देखकर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है। जिनसे मैंने खरीदा ना, उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा एक बार पहले आप खा के देखो, नहीं अच्छा लगेगा मैं भी रिटर्न जाऊंगा, पैसा ले लेना वापस अगर नहीं अच्छा लगा तो। बोला चलो ठीक है यार, पैसा तो लेता नहीं मैं। कॉन्फिडेंस उनको इतना ज्यादा था, अभी समझ में आ रहा क्यों इतना कॉन्फिडेंस था। एक नंबर पोहा है भाई ये। ये जो मैंने डेक्कन क्वीन में पोहा ट्राई किया था ना, उससे भी अच्छा है ये। बिलीव नहीं हो रहा है ट्रेन में इतना बढ़िया खाना भी मिलता है। ओ भाई साहब कंप्लीट करते हैं, गर्मा गर्म भी है। इसके बाद अगर कुछ आता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी देखते देखते हमारा ट्रेन पहुंच चुका है पेंडन और अपना कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट। ट्रेन चल रहा है अपना हाफ एन आवर डिले। देखो मेरा पोहा था वो ले ली, बढ़िया है ना। ये अपना खाओ, तुम्हारा ब्रेड ऑमलेट था, लो ऑमलेट मैं दिखाता हूँ आपको। ऑमलेट भी देख लो बढ़िया लग रहा है। भाई ये ट्रेन का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। हम लोग खाना खा रहे हैं, एक भैया आया वो मतलब कार्टून लेकर, कार्टून बोलेंगे ना उसको, कार्टून बॉक्स बॉक्स लेकर एक आए, सारा जो कूड़ा कचड़ा था उसमें डलवा लिया। बोले वाह, हम वही सोच रहे थे जब लबड़ी खा लेंगे ना तब जाएंगे वहाँ फेंकने के लिए। ये अभी हम लोगों ने चाय लिया है 10 रुपये का, बताते हैं ये कैसा है। तो ये जो चाय है ना पैंट्री कार में बना हुआ चाय है, और मेरे को ना ट्रेन का चाय बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पसंद आता है। थोड़ा पतला चाय है लेकिन चलेगा, ठीक है फिर भी चल जाएगा चाय। कांदा पोहा खाने के बाद, कांदा पोहा मतलब वही है जैसे जो वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, कांदा मतलब प्याज हो गया, प्याज के साथ मिक्स करके पोहा बनाया गया था, तो वही होता है कांदा पोहा। बहुत बढ़िया लग रहा था, जो प्याज का स्वीटनेस आ रहा था ना एक नंबर। और अभी मैं देखा मतलब ट्रेन में फ्रूट सैलेड भी मिल रहा है भाई, फ्रूट सैलेड बढ़िया से। तो हम लोगों ने ले लिया है, 50 रुपए का मिला। और चाय मुझे तो ठीक ठाक सा लगा, लवली बता रहे थे उसको अच्छा लगा। ये देख लो भाई ट्रेन में आपको फ्रूट सैलेड भी मिल जाएगा। ये वाकई में इंडियन रेलवे का मोस्ट फूडी ट्रेन है भाई, जैसा नाम सुना था अभी पता चल गया। फ्रूट सब भी देख कर ना फ्रेश लग रहा है। चलो अभी ट्राई करते हैं ये फ्रूट्स। साथ ही देखो इन्होंने ये चाट मसाला भी अलग से दिया हुआ है ताकि ऊपर में आप डालकर खाओ। ट्रेन में फ्रूट सैलेड मुझे मिलेगा ये पता नहीं था। बाकी ये एप्पल बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाटरमेलन, अंदर में देख लो बनाना वगैरह सब कुछ है। कभी भी मुंबई से गोवा आ रहे हो या फिर गोवा से मुंबई आ रहे हो तो देखो तेजस वंदे भारत तो है ही। अगर आपको कोई एक ऐसे ट्रेन में जर्नी करना है, बस खाने पीने का ट्रेन हो वो, आ जाना मांडवे एक्सप्रेस में। बहुत बढ़िया पपाया, सारे फ्रूट्स मीठे है ना। तो यहाँ चल रहा है अपना फ्रूट सैलेड और ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुदाल। और ट्रेन अपने यहाँ पे पहुंचा है, 38 मिनट डिले। वैसे कुदाल में भी अपने इस ट्रेन का ना बस 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस ट्रेन में तो खाने को इतना कुछ आ रहा है ना, अगर मैं एक एक करके सब कुछ लेने लगूं तो यहाँ पे हो जाएगा 50 से 60 मिनट का वीडियो। और नज़ारे तो भाई साहब ऐसा नज़ारा दिख रहा है ना, कैमरा मैं बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो थोड़ी देर बाद बैक टू बैक टनल भी स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मैंने ये रूट दिखाया हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा बाहर के नज़ारे नहीं दिखा रहा हूँ इस टाइम, खाने पे ज़्यादा मैंने फोकस किया हुआ है। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राजपुर रोड और यहाँ अपना ट्रेन रुकेगा बस 2 मिनट। वैसे मैं बता दूँ ट्रेन अपना चल रहा है 50 मिनट डिले और होप कि आगे कहीं मेकअप करें, लेकिन अभी का अपडेट यही है कि ट्रेन अपना 50 मिनट डिले है। अभी जब हमारा ट्रेन ये राजपुर रोड में एंटर कर रहा था ना तब हमें वंदे भारत भी दिखा, गोवा मुंबई वंदे भारत।
अभी जो ट्रेन है ना अपने टनल के अंदर में रुका हुआ है भाई, मतलब काफी देर से रुका हुआ है पता नहीं क्यों। टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है अभी दोपहर का। देख लो ये सब कुछ ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने लंच के लिए, काफी कुछ है, एक एक करके मैं सब कुछ दिखाता हूँ। पहले ढक्कन हटा दूं और एक चीज देख लो, प्लेट वगैरह भी उन्होंने दिया है ताकि अच्छे से खा पाए, और सबसे बेस्ट भाई पापड़ भी दिया है अलग से उन्होंने। ये ट्रेन है वाकई में काफी स्पेशल, थोड़ा जब सनलाइट आएगा ना तब थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा मैं। ये फ्राइड राइस है इनका देख लो, ये बाय द वे अहूजा एंड केयर कैटरिंग का है भाई। इनका खाना एक नंबर, जहाँ भी आपको ये कैटरिंग दिख जाए समझना एक नंबर है। ये देख लो शेजवान चटनी है क्या, ये अपना फ्राइड राइस साथ में शेजवान चटनी। ये देख लो चिली चिकन एकदम गर्मा गर्म ट्रेन में बना हुआ भाई, ये कोई स्पेशल हमारे लिए बना के नहीं आया है, आप भी ऑर्डर करोगे तो आपके लिए भी आएगा। और ये बटर चिकन है, बटर चिकन के साथ ये चपाती साथ में राइस, सबका अलग अलग रेट है। मैं रेट पूछा तो बता रहे हैं आप खा लो, खाने के बाद मैं बता दूंगा आपको रेट, तो कोई नहीं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किया है देख लो, और साथ में दही बड़ा भी है। तो देख लो जी हम लोगों ने लंच के लिए इतना कुछ ऑर्डर कर लिया है भाई, काफी कुछ ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। स्टार्टर भी आ गया अपने पास, डेजर्ट एक था गुलाब जामुन था गर्मा गर्म, वो लेंगे बाद में, अभी हम लोगों ने दही बड़ा ले लिया है साथ में ये पापड़। तो चलो एक काम करते हैं, एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका ये चिकन लॉलीपॉप, लेकिन ये जो है ना लॉलीपॉप भाई, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जो चिकन है ना काफी जूसी एंड सॉफ्ट है यार। इसके साथ एक चीज मिसिंग है जो कि है केचप, कोई नहीं वो मांगने से वो भी मिल जाएगा भाई। सच बता रहा हूँ बाहर भी इतना बढ़िया लॉलीपॉप खाने को मिलता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ट्रेन में भी इतना बढ़िया लॉलीपॉप मिलता है। मजा आ गया भाई, एक नंबर लॉलीपॉप अभी तक का खाया हुआ सबसे बढ़िया खाना लगा मुझे इस ट्रेन का। पोहा भी बहुत अच्छा था बाय द वे, स्टार्टर मैंने ट्राई किया नो डाउट बहुत अच्छा था, देखकर तो ये भी बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात देखो गर्मा गर्म एकदम, सबसे पहले तो फ्राइड राइस खाते हैं। बहुत बढ़िया फ्राइड राइस में देख लो, एग भी है चिकन भी है मिक्स है एग चिकन। और अब ट्राई करते हैं इस चिली चिकन के ग्रेवी के साथ, सच बता रहा हूँ ट्रेन में भाई इस कैटेगरी का खाना नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे ट्रेन में जर्नी किया, आपने देखा है मेरा बहुत सारा फर्स्ट एसी में भी जर्नी हुआ है, वो बनाकर भी लाते हैं खाना, इस कैटेगरी का खाना बनाना मुश्किल है यार। क्या सही है ये सब ट्रेन यार, हमारे वहाँ पे होना चाहिए यार, कोलकाता साइड में भी कोई होना चाहिए, इतना बढ़िया खाना ट्रेन का। ये जो चिली चिकन का चिकन है वो कैसा है, चिकन बढ़िया ही होगा क्योंकि इनका लॉलीपॉप का भी चिकन बहुत अच्छा था, बढ़िया होगा ही नहीं बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे रायता भी है, प्याज टमाटर मिर्च सब कुछ मिक्स है। दही बड़ा भी मैंने ले लिया है जो कि देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है, वो बता रहे थे टोटल 4 बड़ा है इसके अंदर, 40 रुपए का है या कितने का मैं बता दूंगा। चलो ट्राई करते हैं, मजा आ गया। बाकी इसके अलावा भी जीरा राइस है, चपाती है, बटर चिकन है, वो लवली ट्राई करेगी तो उससे पूछ लेंगे, गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी है वो लास्ट में ट्राई करेंगे। मैंने बहुत सारे ट्रेन में जर्नी किया है, अलग अलग खाना खाया है, लेकिन ये जो मांडवी एक्सप्रेस का खाना है ना सबके सामने फेल है। कैसा लगा लॉलीपॉप, लग रहा है रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। और बटर चिकन ऐसा नहीं है भाई, ट्रेन में जो बटर चिकन देते हैं वैसा नहीं है, वाकई में ये बटर चिकन है, बटर इसमें डाला हुआ है, ये भी देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने तो सारा खाना इस वाले प्लेट में खाया, अभी लवली ने एक एक्स्ट्रा प्लेट मांगा देख लो उसको कितना बढ़िया प्लेट मिला है। वो अक्षय कुमार बोलता है ना उसमें वो उसको कचरा सेट को ऐसा भेदभाव क्यों रे भाई, ये लग रहा है ना किसी रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया है वो खाना मैं खा रहा हूँ। और एक बात है ना चिकन भी इनका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, काफी बढ़िया लग रहा है, या तो इन्होंने काफी बढ़िया शेफ को पकड़ के लाया है जो ये सब बना रहा है भाई, बहुत ही टेस्टी। चीयर्स। ये जो इनका जीरा राइस है ना इन्होंने मस्त लग रहा है घी में फ्राई मारा है राइस को, बता रही है लवली रोटी से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है राइस के साथ, और ये देखकर भी डिलीशियस लग रहा है एकदम। देखो खुला खुला चावल है वो एक दूसरे में चिपक नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना सारा कंप्लीट हो गया है, बस लवली का थोड़ा सा बचा हुआ है वही अभी वो कंप्लीट कर रही है उसको। और साथ ही देख लो अब टाइम आ गया है वाकई में गर्मा गर्म है यार, ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन ट्राई करने का। हम लोग का थोड़ा खाने के चक्कर में ठंडा हो गया, नहीं तो और भी गर्मा गर्म था ये, हमको लग रहा है ये अच्छा होगा देख के भी लग रहा है।
खाने के चक्कर में ना थोड़ा ठंडा हो गया ये, फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो खाने के बाद देख लो, ये हम लोगों ने बिल ले लिया है आहूजा केयर कैटरिंग का। भाई साहब मानना पड़ेगा यार, मज़ा आ गया इनका खाना खा के। और मैंने एक बार बिल मांगा, एक बार में इन्होंने दे दिया। ये वो सब चीज़ें जो मैंने अपने टेबल पे लिया था, जैसे कि देख लो इनका जो चिकन फ्राइड राइस था वो 115 रुपए का था, चिकन चिल्ली 135 रुपए का, चिकन लॉलीपॉप 120 रुपए का, चिकन बटर मसाला 185, पराठा लिया था हम लोगों ने वो 10 रुपए का, जीरा राइस 35 रुपए का, 580 टोटल हुआ है सारा टैक्स वगैरह लगा के 610 रुपए। इसके अलावा जो हम लोगों ने दही बड़ा लिया था वो 50 रुपए का था, जो गुलाब जामुन था वो 45 रुपए का था। सत्या भाई बता रहे थे इस ट्रेन में उनका 3000 रुपए का बिल बना था। हाँ जी, तो अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है रत्नागिरी और यहाँ अपना ट्रेन आया है 40 मिनट डिले। वैसे अपने इस मांडवी एक्सप्रेस का रत्नागिरी में 5 मिनट का हॉल्ट है। मैं तो सोच के रखा था बारिश होगा मस्त, लेकिन देख लो मौसम मस्त एकदम साफ हो चुका है। वैसे यहाँ पे ना इस ट्रेन का 2 बजे का आने का टाइम था, अभी देख लो 2:40 हो रहा है, 40 मिनट डिले है ट्रेन अपना। रत्नागिरी से निकलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है ना वो है संगमेश्वर रोड। अभी तक हम लोगों ने 6 घंटे में, मतलब हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले थे, अभी 2:40 हो रहा है, सुबह 8:30 बजे का निकले हुए हैं, लगभग 6.5 घंटे में हम लोगों ने अभी तक 236 किलोमीटर कवर किया है बस। रत्नागिरी स्टेशन जाने के बाद, मतलब वहाँ से जैसे ही हमारा ट्रेन निकला, मैं उसके बाद फ्लैट हो गया भाई। मैं उसके बाद आ गया सोने के लिए और जैसे ही मैं सोकर उठा तभी देखा हमारा जो ट्रेन है चिपलून से ऑलरेडी निकल चुका था, तो भयंकर नींद आ रहा था भाई। देख लो जी, मैं तो कब का उठ गया था, लवली अभी उठी, उठते ही देख लो मस्त अभी कॉफ़ी ले लिया हम लोगों ने गर्मा गर्म 10 रुपये का, और अभी तो कॉन्फिडेंट हो गया। इस ट्रेन का खाना पीना सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और अभी अपना ट्रेन वैसे मस्त चले जा रहा है पनवेल की तरफ। फाइनली अभी हम लोग पनवेल पहुंच चुके हैं और अपना ट्रेन यहाँ पे आया है ऑलमोस्ट 50 से 55 मिनट लेट, मतलब 50-55 मिनट डिले चल रहा है ट्रेन, वही 1 घंटे समझ लो। ये ट्रेन ऐसे ही है, मैंने अभी बात किया काफ़ी लोगों से जो इस पर ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं, सब बता रहे हैं भाई ये ट्रेन डिले ही करता है। और वैसे मैं बता दूँ अपने इस मांडवी एक्सप्रेस का पनवेल स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट है। जी फाइनली हमारा ट्रेन पहुंच चुका है दादर, और दादर स्टेशन भाई साहब ऑलवेज क्राउडेड रहता है, ऑलवेज। स्टेशन वैसे इस वाले साइड है, ये रहा दादर रेलवे स्टेशन। हाँ जी, तो ट्रेन अपना ऑलमोस्ट 1/2 आवर डिले चल रहा है और बस स्टेशन में हम लोग एंटर कर ही रहे हैं। अभी हम लोग का ट्रेन जो है आउटर में, और मैं बता दूँ ट्रेन में ना हमारे अलावा, मतलब इस कोच में स्पेशली हम, मेरे और लवली के अलावा कोई नहीं है, पूरा कोच ही खाली है देखो। कोई नहीं है, बस एक स्टाफ है जो सारा वो कंबल वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बेडशीट वगैरह, कोई नहीं है भाई, पूरा कोच खाली हो गया। चलो चलते हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन और ट्रेन आया है यहाँ पे 25 मिनट डिले, लेकिन भाई ट्रेन 1 घंटे डिले दिखा रहा था, उस हिसाब से तो सही है। तो ये स्टेशन मैंने बहुत बारी दिखाया हुआ है, तो एक काम करते हैं एक ही बार होटल पहुंच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग अपने होटल रूम में पहुंचे हैं और रूम का टूर मैं आपको देता हूँ। रेडी हो रूम टूर के लिए? 3, 2, 1 टन टन, रूम खत्म, टाटा बाय बाय। भाई मुंबई में मैंने इस होटल को
3000 रुपये में बुक किया है और प्री बुक किया, ऐसा नहीं कि आकर मुझे रूम मिला है, प्री बुक। वैसे मैं जब भी आता हूँ ना, या तो इसमें नहीं तो लॉर्ड्स में मैं स्टे करता हूँ, लॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया है इनका, लेकिन लॉर्ड्स में रूम नहीं था तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। ये स्टेशन के एकदम बाजू में है, इसका लोकेशन एक नंबर है। कुछ ऐसे ही रूम है देख लो, कुछ नहीं है भाई रूम में, कुछ नहीं है, फिर भी 3000 रुपये का। आप सुनोगे इनका टीवी के लिए भी अलग चार्ज है, अगर आपको रूम में टीवी चाहिए तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देके एक अलग रूम लेना होगा, अगर रूम में बैल्कनी चाहिए तो 2000 एक्स्ट्रा देके बैल्कनी भी मिलेगा आपको। तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। होप कि आप लोगों को मेरा ये मांडवी एक्सप्रेस का जर्नी अच्छा लगा हो। मैंने ज्यादा रूट नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस रूट में ना काफी बार ट्रैवल किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस खाने पे ही रखा था। खाना तो नो डाउट काफी अच्छा है, इनफैक्ट इवनिंग के टाइम में भी बहुत कुछ मिल रहा था, उपमा पोहा तो पता नहीं क्या क्या भाई, कटलेट सैंडविच, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आते जा रहा था। मैं बता रहा हूँ अगर आप खाने पीने का शौकीन हो इस ट्रेन में एक बार जर्नी करके देखो भाई, खाते पीते मैं बता रहा हूँ 2000 का बिल बना लोगे आप। चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, थक गया हूँ, बैक टू बैक ट्रैवल हो रहा है ना, तो सोच रहे थे किसी एक सिटी में ना एक दिन का या फिर 2 दिन का स्टे रखेंगे। तो मेरा प्लान हो रहा है उड़ीसा के बरहमपुर भी आने का मेरा प्लान है, तो वहीं पे 2 दिन का स्टे ले लेंगे, वो स्टे भी हो जाएगा हमारा और थोड़ा बहुत सिटी भी एक्सप्लोर हो जाएगा। तो जितने भी लोग बरहमपुर से देख रहे हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में हाई कर देना और कुछ बढ़िया जगह सजेस्ट कर देना हमें, अदरवाइज इंस्टा में DM आप कर सकते हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।